हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सैनिक स्कूल के लिए। और बहुत ही बार, मतलब जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में देखा गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आए हुए हुए हैं। हर एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, ये हमारा नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या है, इस टॉपिक के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब जिसको हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, है ना। वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, जैसे कि जो साल में एक बार होता है, हैपनिंग वंस इन अ ईयर, जो साल में एक बार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? यस, उसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल बोलते हैं। ठीक है, जो साल में एक बार होता है उसको क्या कहा जाता है? एनुअल कहा जाता है। इसीलिए इसका, इसी तरीके से इसका दूसरा नाम भी है ना। इसका दूसरा नाम है वो क्या होता है? ईयरली। ईयरली, जो साल में एक बार होता हो उसको क्या कहते हैं? ईयरली बोलते हैं। तो एग्जाम में ना इस तरीके से आपको एक लाइन दी हुई आएगी, उस लाइन के लिए आपको एक पर्टिकुलर वर्ड सजेस्ट करना होगा। ओके, तो जो साल में एक बार होता हो उसको हम क्या बोलेंगे? आप अगर नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ तो लिख सकते हैं, एनुअल का मतलब क्या होता है? हैपनिंग वंस इन ईयर, साल में एक बार होना। ईयरली और एनुअली एक ही बात है ना। हैपनिंग वंस इन ईयर इज एनुअल। इसी तरीके से एक वर्ड होता है जिसको कहा जाता है बाई एनुअल। क्या कहते हैं? बाई एनुअल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई एनुअल? क्या आपने इस वर्ड के बारे में सुना है? बाई एनुअल क्या हो जाएगा? अकरिंग ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में दो बार होना। कोई भी चीज जो साल में दो बार होती है उसको बाई एनुअल कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस मतलब दो बार, ट्वाइस अ ईयर, साल में कितनी बार होना? दो बार होना, उसको हम क्या बोलते हैं? बाई एनुअल बोलते हैं। इसी का एक सिमिलर वर्ड है और काफी चांसेस रहते हैं कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ ले, वो क्या है? बाई एनियल। अगर आपने सुना हो, बाई एनियल भी एक वर्ड है, बाई एनियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई एनियल? बाई एनियल का मतलब होता है टेकिंग प्लेस एवरी अदर ईयर, टेकिंग प्लेस एवरी अदर ईयर। इसका मतलब ये हुआ दो साल में एक बार होना किसी चीज का। ये तो ट्वाइस अ ईयर था ना, कोई चीज एक साल में दो बार हो रही थी, लेकिन ये क्या हो रहा है? दो साल में एक बार। एवरी अदर ईयर का मतलब ये हुआ कि दो साल में एक बार। हिंदी में जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि जो चीज दो साल में एक बार होती है उसको बाई एनियल बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो काफी चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की, और ध्यान रखने ऐसे क्वेश्चन की इनका मीनिंग क्या होता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, ऐसे ही होता है एक वर्ड ट्राई एनुअल, अगर आपने सुना हो तो। क्या होता है? ट्राई एनुअल। सो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ट्राई एनुअल का क्या मतलब होता है ना? क्या होगा बताइए? थ्री टाइम्स अ ईयर हैपनिंग थ्री टाइम्स अ ईयर। ठीक है, अगर आप हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, फुल कोर्स करना चाहते हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की पूरी अच्छी से जबरदस्त वाली प्रैक्टिस सेशन और जबरदस्त वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्राई एनुअल का मतलब क्या होता है? हैपनिंग थ्री टाइम्स अ ईयर, उसको हम ट्राई एनुअल बोल देते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और वो अगर आपको नहीं आएगा तो आगे की किसी क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। आपको ये बताना है, एक वर्ड है ट्राई
एनियल। ट्राई एनियल का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई एनियल? TRIELL, ट्राई एनियल, जिसका मतलब होता क्या है ये आपको बताना है। ओके, आई होप आप बता सकते हैं। इससे आप आइडिया भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बाय इनियल बताया था उसी तरीके से आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। एनुअल, वंस ए ईयर, ईयरली भी सेम होता है। बाय एनुअल, ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार होना। बाय इनियल का मतलब होता है एवरी अदर ईयर, यानी दो साल में एक बार होना। ट्राई एनुअल का मतलब थ्री टाइम्स अ ईयर। तो आप बताइए ट्राई इनियल का क्या मतलब होगा, कॉमेंट करके बताइए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे गिवन है द पीपल इन अ थिएटर और सिनेमा, जैसे क्वेश्चन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। असेंबली, क्राउड, ऑडियंस और मोब। आई होप आपने कर लिया होगा। तो बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, असेंबली तो जैसे परेड होती है, जैसे स्कूल में होती है, तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, तो उस टाइप के उसको हम असेंबली बोलते हैं। लेकिन ये तो थिएटर और सिनेमा की ऑडियंस, पीपल की बात कर रहे हैं ना, उसको क्राउड तो नहीं कहेंगे, उसको ऑडियंस कहेंगे, क्योंकि वो सुनने के लिए देखने के लिए जो आए होते हैं ना किसी को भी, तो उसको ऑडियंस बोलते हैं। क्राउड होती है भीड़ और मोब होती है अग्रेसिव, जो तोड़ फोड़ पे उतारू हो, ऐसी भीड़ को मोब कहा जाता है। तो मोब और क्राउड में डिफरेंस समझ में आया? मोब तो होती है भीड़ और सॉरी क्राउड तो होती है भीड़, और मोब का मतलब होता है भीड़ जो कि अग्रेसिव हो, मतलब गुस्से में भरी हुई भीड़ होती है ना, तोड़ फोड़ करने के लिए उतारो। तो बच्चे ऐसे ऐसे वर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास अ पेपर रिटन बाय हैंड। अ पेपर रिटन बाय हैंड, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। करिए ट्राई, शाबाश। तो बच्चे इसका सही आंसर होगा मैन्यूस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होता है कुछ लिखना, मैन्यू मतलब हैंड से, हाथ से कुछ लिखना। ठीक है, हैंडीवर्क तो हाथ से किया गया कोई काम होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट सुना होगा आपने, व्हाट इज हैंडीक्राफ्ट? क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट होते हैं जो हाथ से कोई डिजाइन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, लाइक कोई कपड़े के ऊपर कोई डिजाइन बनाना या उस टाइप से, उसको कहते हैं हम हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद में है थीसिस। थीसिस होती है कोई थ्योरी, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता था, मैन्यूस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद में बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। तो डिक्शनरी होती है जिसके अंदर हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, वर्ड्स के लिए होती है। इनसाइक्लोपीडिया जिसपे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर, तो वो इंसाइक्लोपीडिया होता है। एंथोलॉजी होता है ग्रुप, क्या कहते हैं, पोइम्स का जो कलेक्शन होता है उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। एंड डायरेक्टरी इज व्हाट? डायरेक्टरी बच्चे हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर लगा हो। ठीक है, आपको पता है पूरी सिटी की कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट आती है जिसको डायरेक्टरी कहा जाता है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स और हर घर का मतलब नंबर आपको ऑलमोस्ट उसके अंदर मिल जाता है, जो पुराने रेजिडेंट्स होते हैं उनके, तो वो होती है डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आई थिंक आप बता सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया इज द राइट आंसर। एक ऐसी बुक जिसके अंदर समराइज इंफॉर्मेशन हो सारी ब्रांचेज के बारे में। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज किया जाता है। टेली का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो टेलीविजन, टेली वाले वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, तो टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, तो दूर की चीजें देखने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास में अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। तो जब कभी भी बच्चे आपको हेट दिखाई देना, हेट वर्ड, कौन सा कहा मैंने, हेट, HATE, ऐसा वर्ड दिखाई दे, तो ये एक लेटिन रूट है जिस किससे बनाया जाता है, MS, MIS। MIS का मतलब होता है हेट करना, ये लेटिन लैंग्वेज का काफी पुराना वर्ड है। तो इसके अंदर MIS गिवन है, तो MIS इनमें देखो किस किस के अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, इसके अंदर नहीं आ रहा, ये दो ऑप्शन है जिनके अंदर MIS आ रहा है। लेकिन GYN जब जहां कहीं पे भी आता है ना, उसका मतलब होता है वुमेन, लेडी, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिसोलॉजिस्ट हो जाएगा। अ हेटर ऑफ लर्निंग, जिसको लर्निंग पसंद ना हो और नॉलेज गेन करना पसंद ना हो, बट बच्चे जो नॉलेज गेन करेगा, जो हमेशा लर्न करता रहेगा, वही आगे जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिट लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आगे की भी सीरीज आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।